इसमें इंग्रेडिएंट्स वही हैं। ऑब्वियस सैलून ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, मगर हमने क्या किया है कि वो इंग्रेडिएंट जो आप सैलून ट्रीटमेंट में कराते उसका अल्टरनेट आपको बताया, मगर वो अल्टरनेट आपको रिजल्ट वही देगा, वही नर्म मुलायम आपके पांव हो जाएंगे। रिजल्ट देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त रिजल्ट आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि मेरी फैमिली खैरियत से होगी, आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है हर जगह खैर व आफियत होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस, और आज की वीडियो आप लोगों के बहुत इसरार पर है, मैनीक्योर एंड पेडीक्योर। मगर ये जो है आप घर पर ख़ुद कर सकते हैं, और ये वैसा ही मैनीक्योर और पेडीक्योर होगा जो आप किसी भी बड़े सैलून से कराते हैं। उसके लिए कौन सी हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं, उस हिडन इंग्रेडिएंट्स को आप अपने घर में किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, या इसमें इंग्रेडिएंट्स वही हैं। ऑब्वियस सैलून ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, मगर हमने क्या किया है कि वो इंग्रेडिएंट जो आप सैलून ट्रीटमेंट में कराते उसका अल्टरनेट आपको बताया, मगर वो अल्टरनेट आपको रिजल्ट वही देगा, वही नर्म मुलायम आपके पांव हो जाएंगे। मेरे ख़्याल में राजकुमार ने कहा था मीना कुमारी से कि पांव नीचे नहीं रखना, मेले हो जाएंगे। इस तरह के पांव आप भी पा सकते हैं, और जिस इसके लिए हमने जो पांव सेलेक्ट किया है ना, उसका बिफ़ोर आफ्टर ज़रूर देखिएगा। हमने इसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो आपसे हिडन हो, मगर रिज़ल्ट आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप वन, हमें क्या करना है? पहला स्टेप जो है, आपने अपने हाथ पांव को नरम करना है, उसमें से सारे डस्ट जो हैं उसको निकालना है। तो उसमें हमारी कौन मदद करेगा? लेमन, आधा लीमू निचोड़ना है। अच्छा याद रखिए, ये जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ओवर ड्राई है, तो लेमन उनके लिए नहीं, याद रखिएगा, तो वो लेमन अवॉइड करेंगे। और आपने कोई भी अच्छा बॉडी वॉश लेना है या शैम्पू लेना है। मैं बॉडी वॉश ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, मैंने यहाँ नेचुरलाइज का इस्तेमाल किया, आपको नेचुरलाइज का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी बॉडी वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। एक टीस्पून से एक टेबल स्पून तक उसका झाग कितना बनता है वो ज़रूरी है, कि किस तरह वो झाग बनाता है उसी हिसाब से आपने लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, ये देख लें नमक। अब आप एक टप लेंगे, गर्म पानी लेंगे, उसमें इस तीनों चीज़ों को मिक्स करके डाल देंगे, और उसमें आपने तकरीबन अपने हाथ या पांव सोक करना है 10 से 15 मिनट तक। पानी जो है वो तेज़ गर्म से थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, ताकि आपके पांव और हाथ, आज हम लोग पेडीक्योर करके आपको बता रहे हैं, यानी पांव की सफाई बता रहे हैं, ताकि वो नरम हो जाए। हम यहाँ पर घर वाला टप यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सैलून का टप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप घर में जो आम टप होता है आप उसमें भी डाल सकते हैं। ये है हमारा पहला स्टेप, सही है। अब जो दूसरा स्टेप है, आप बादाम का तेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ कैस्टर ऑयल लिया, मुझे कैस्टर ऑयल ज़्यादा पसंद है, इसका विटामिन ई ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पांव जो हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं, तो उसको हाइड्रेट थोड़ा सा ज़्यादा करना है। जब आप पांव निकाल लें, उसको साफ़ कर लें, उसके बाद 5 मिनट तक आपने कैस्टर ऑयल की एक जितना आप लगा सकें, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून तक निकाला है, इसकी अच्छी तरीके से अपने पाँव को हाइड्रेट करें अच्छी तरीके से, ताकि क्यूटिकल जो भी डस्ट पार्टिकल हैं वो और मज़ीद जो है ना स्मूथ हो जाए, आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। तो ये सेकंड स्टेप करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैस्टर ऑयल क्या करेगा? ये कैस्टर ऑयल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, क्योंकि पहले हमने नमक लीमू और जो पहले में हमने बॉडी वॉश यूज़ किया था, ताकि डस्ट पार्टिकल सारे साफ हो जाए। अब ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरम और मुलायम करेगा, और जो क्यूटिकल को रिमूव करने में, और जो आपकी स्किन होती है साइड की स्किन है उसको रिमूव करने में, पाँव की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं उनको रिमूव करने में, उनको ज़्यादा नरम और आपकी स्किन को नरम मुलायम बनाने में आपकी मदद करेगा। इसको अच्छी तरह लगाने के बाद अगेन आपने 5 से 10 मिनट तक आपने अपने पाँव को जो है
गर्म पानी में डिप करके रखना है। यह है हमारा सिंपल सेकंड स्टेप। अच्छा, अब हमने पाँव नरम कर लिए, मुलायम कर लिए, ताकि हमारी जितनी डेड स्किन है वो निकल जाए, वो तैयार हो गई है स्क्रबिंग के लिए। अब हम स्क्रब किसका करेंगे? घर में आसानी से अवेलेबल है चीनी। यहाँ मैं चीनी, दूसरा इसमें जो इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है नमक। आप ये करके देखिएगा, दोनों हम वज़न ले लीजिएगा। मैं एक एक चम्मच ले रही हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम, बादाम भी पीस के रखिए, देखें एक चम्मच। इनको मिक्स कर लें। अब इसमें मैं स्क्विश क्या कर रही हूँ, इन तीनों को मैंने बना लिया, स्क्रबी है ना, इसमें बजाय पानी डालने की मैं आधा नींबू इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाला आधा लेमन, बीज हटा देना है, किसी लेमन में बीज ही नहीं होते, और जब मैंने इसके बीज निकाले तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि बीज ही बीज है, बीज नहीं डालना है, ठीक है। और इसमें आपने लाजमी जैतून का तेल भी एक चम्मच डालना है, ठीक है। पांच चीज़ें हमने डाली हैं, चार चीज़ें जो है वो सब एक एक चम्मच है, लेमन आधा इसमें स्क्विश किया है। आपका बेहतरीन स्क्रब तैयार हो गया है। नींबू का बीज आ रहा है तो मैं इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप। ये स्क्रब क्या करेगा? ये स्क्रब आपके डेड स्किन निकालेगा, आपके स्किन के जो आपके स्किन टोन है उसको बेहतर करेगा, ब्राइटन अप करेगा, जो दाग धब्बे हैं उनको कम करने में आपकी मदद करेगा। सारे स्टेप्स छोड़कर हफ्ते में एक बार भी अगर आप ये स्टेप करते हैं ये वाला, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम कर रहे हैं चौथा स्टेप, इसको हम कहते हैं नरिशमेंट। हमने पहले आपकी स्किन से डेड स्किन, मतलब कि पहले उसकी सफाई की, फिर हमने उसको और मज़ीद सोक किया ताकि उसकी ड्राइनेस ख़त्म हो, सारी चीज़ें ऊपर आ जाएं, फिर उसे स्क्रब किया, स्क्रबिंग से आपकी जो डेड स्किन थी वो सही कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, आपकी स्किन को जो ट्रॉमा दिया है उसको नरिशमेंट करेंगे, मज़ीद उसको नरिश करें। उसको नरिशमेंट के लिए हमने क्या किया, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेने की मैंने कोशिश की है जो आपको घर से ही मिल जाए। ये देखिए वैसलीन, उसके साथ मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। दोनों आप इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स कर लें। ये है एलोवेरा जेल, और आप घर से एलोवेरा जेल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप नेचुरलाइज कर लें। मेरे पास है तो मेरे लिए ईजी है तो मैं ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे वैसलीन ज़्यादा लिया है। मैं आपको पेडिक्योर करना बता रही हूँ, लेकिन हैंड्स पे भी कर लेंगे, तो आप भी अगर ज़्यादा लेना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखिए, इन दोनों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपने वो थोड़ा सा अपना वैसलीन जो है ना, पेट्रोलियम जेल, इसको अगर आप गर्म कर लेंगे तो मिक्स हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से 5 मिनट के लिए पाँव पर अच्छी तरह लगाएँ। लगाने के बाद फिर अगेन आपने गरम पानी में, नीम गरम पानी में अपने पाँव को सोक करना है, ताकि ये तैयार हो सके पांचवें स्टेप के लिए। ये उसी तरह है जैसे हम फेशियल करते हैं ना, फेशियल के स्टेप होते हैं, ये ऐसे ही स्टेप है। अब आपने मास्क लगाना है, तो मास्क में आपने क्या करना है, आपने लेना है कॉफ़ी 1 चम्मच, 1 चम्मच भर के हल्दी, मिक्स करें, इसमें डालें कैस्टर ऑयल, 5 मिनट के लिए रहने दें, 1 चम्मच डाला और फिर इसका मास्क बनाकर लगा लें। अच्छा, अब मैंने इसमें डाला है ना, देखिए मास्क बना रही हूँ इसमें, हाँ ये देखिए। अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा ताकि कॉफ़ी जो है वो मिक्स हो जाए, फिर आपने इसका मास्क बनाकर पाँव को रिलैक्स करने के लिए दे दें। लास्ट स्टेप बहुत मज़े का है, तो इसमें पानी मैंने डाला है 1 चम्मच, ताकि कॉफ़ी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। कॉफ़ी इसमें वाटर सॉल्युबल है, बाकी क्या नाम है अपना, हल्दी भी वाटर सॉल्युबल है और कैस्टर ऑयल। बस इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर आपको बताते हैं। बिल्कुल ये मिक्स हो जाएगा, और लगाने से पहले भी अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। तो ये लग जाएगा।
अब आते हैं लास्ट स्टेप पर। ये जो है ना शाहाना, जो है ना शाहाना, जैसे शाही वो होता है ना, जैसे शाही कौरमा होता है, शाही चीज़ें होती हैं, इसी तरह ये जो है आपका एक शाहाना पेडिक्योर है। उसमें आपने लेना है टी वाइटनर तकरीबन आधा कप, उसमें डालना है पानी। जब आप मास्क को साफ़ कर लेंगे, जब वो सूख जाएगा तो साफ़ कर लें। ये देखिए मैं भर के डाल रही हूँ और पानी भी गर्म पानी है। फिर इसमें आप अपने पांव सोक कर लीजिए। सोक करने के बाद 10-15 मिनट के लिए सुकून से सो जाएं। उसके बाद जब आप अपने पांव निकालेंगे तो यकीनन राजकुमार साहब की तरह आपको सब कहेंगे कि ये पांव ज़मीन पे ना रखे, मेले हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद है और आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, कितना ज़बरदस्त। और आपने पांव देखे थे कितने ख़राब थे और कितने अच्छे हो गए इन सारे छोटे छोटे स्टेप से। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।